जरूरतमंदों को पढ़ाने के लिए चल रहे पुस्तक दान अभियान को लगातार मुरादाबाद में सफलता मिल रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को स्वयंसेवी संगठनों और गोकुलदास डिग्री कॉलेज के प्राचार्य और अध्यापिका ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को 1000 पुस्तकें भेंट की। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों से अभियान में सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि दान में मिली किताबों को कक्षावार और विषयवार अलग अलग कर लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पुस्तकों को पुस्तकालयों में सुरक्षित रखने और विद्यालयों और जन सामान्य के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार सभी छात्र छात्राएं पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर अपनी पढ़ाई को सुगम बना सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि हमारे यहाँ 643 ग्राम पंचायतें हैं, इसके अलावा 10 नगर निकाय हैं। मंडलायुक्त महोदय ने एक बैठक के दौरान निर्देश दिए थे कि सभी ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जिससे जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उन बच्चों को किसी भी तरह कोई दिक्कत न हो। इसके तहत हम लोगों ने पुस्तक दान अभियान शुरू किया, जो मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में पूरा अभियान चला। और इस अभियान में अभी तक मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 1,10,000 पुस्तकें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। इन पुस्तकों को हम लोग जो ग्राम सभा पर विभिन्न लाइब्रेरी खुलवाए हैं उन लाइब्रेरीज में भेजी जाएंगी, जिससे वहाँ बच्चों को जो ग्राम गाँव के बच्चे हैं वो इन पुस्तकों से ज्ञान अर्जन कर सकें, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें या अपने एकेडमिक एग्जाम जो है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। तो एक अच्छा अभियान है और हम सभी जानते हैं कि विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, तो उस दिशा में एक हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, एडीएम फाइनेंस योगराज सिंह, गोकुलदास कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आदि तमाम अधिकारी और अध्यापक मौजूद रहे।